दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नौगछिया भागलपुर, अभी कॉल करें 88 73 97 36 80, 8225 6905 या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर। नमस्कार, मैं वंदना सिंह, आप देख रहे हैं जीएस न्यूज़, आइए देखते हैं बिहार की बड़ी खबर। बिहार में मिले कोरोना के 1667 नए मामले, इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 150,694। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 1667 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 150,694 हो गई है। बिहार में फिलहाल 17,787 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। पटना एम्स में वैक्सीन के दूसरे चरण का मानव परीक्षण शुरू, 22 लोगों का चयन। राजधानी पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सोमवार से कोरोना की पहली देशी वैक्सीन का मानव शरीर पर दूसरे चरण का परीक्षण शुरू हो गया। पहले दिन परीक्षण कराने के लिए 31 वॉलंटियर पहुंचे। प्राथमिक जाँच के बाद 22 के नमूने जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। रिपोर्ट आते ही उन्हें दूसरे चरण की पहली डोज दी जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना की देशी वैक्सीन के पहले चरण की सफलता के बाद भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने दूसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दे दी है। पीएम मोदी बिहार को बड़ी सौगात दे रहे 294 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास 10 सितंबर को करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। वे 10 सितंबर को बिहार में मत्स्य पशुपालन एवं कृषि विभाग से जुड़ी 294.53 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा 25 सितंबर तक 5 चरणों में अन्य विभागों की योजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन के कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। यह जानकारी बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी है। पूर्णिया से मजदूरों को लेकर पंजाब जा रही लग्जरी बस सुपौल से NH 331 के किनारे पेड़ से टकराई। बस चालक सहित कई यात्री घायल। बिहार के सुपौल जिले में मजदूरों को लेकर पंजाब जा रही एक लग्जरी बस एक पेड़ से टकरा गई। हादसे में बस चालक सहित कई यात्री घायल हो गए। हादसा सोमवार की देर रात NH 321E पर दपरखा लटूड़ी मंदिर के समीप हुआ। बस के दुर्घटनाग्रस्त होते ही यात्रियों की चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस गश्ती दल ने वहां से गुजर रहे करनी सेना के जिला अध्यक्ष राम सिंह और ग्रामीणों के सहयोग से घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया। बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व सभी जिलों में कमजोर वर्ग के वोटरों की पहचान करे चुनाव आयोग। विधानसभा चुनाव के पूर्व सभी विस क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के लोगों की पहचान की जाएगी। संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर मानचित्र बताया जाएगा, ताकि उन इलाकों के मतदाताओं को चुनाव के दौरान सुरक्षा प्रदान की जा सके। चुनाव आयोग के विशेषज्ञों ने सोमवार को चुनाव को लेकर कमजोर मतदाताओं की पहचान किए जाने संबंधी जानकारी सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को प्रशिक्षण के दौरान दी। आयोग के तत्वाधान में सोमवार को 2 दिनों उच्च स्तरीय ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू हुआ। इनमें राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी निर्वाची पदाधिकारी व उप निर्वाचन पदाधिकारी शामिल थे। विधानसभा चुनाव 2020 बिहार में कोरोना संकट के दौरान चुनाव स्थगित करने संबंधी याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज। बिहार विधानसभा चुनाव को कोरोना महामारी फैलने के कारण फिलहाल स्थगित करने के लिए पटना हाईकोर्ट में दायर लोकहित याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने बद्री नारायण सिंह तथा अधिवक्ता जयवर्धन नारायण की ओर से दायर को लोकहित याचिका पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया। 3 दिनों की पूछताछ के बाद NCB ने रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स मामले में किया गिरफ्तार। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मंगलवार को ड्रग्स एंगल से जांच करते हुए एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में NCB रिया से घंटों तक पूछताछ कर चुकी है। आज लगातार 3रे दिन रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और एजेंसी ने दफ्तर से ही रिया को गिरफ्तार कर लिया।
तेजस्वी ने नीतीश को दी चुनौती, कहा जीवन में कभी अकेले लड़ेंगे तो दहाई के अंक में भी नहीं मिलेंगी सीटें। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कभी भी अपने चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, अगर लड़ेंगे तो उन्हें दहाई के अंक में सीटें नहीं मिलेंगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने 1995 में एकीकृत बिहार में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ा था तो मात्र 7 सीट आई थी। 2014 में लेफ्ट के साथ मिलकर लड़े तो मात्र 2 सीट आई थी। वो जीवन में कभी भी अकेले लड़ेंगे तो प्रतापी चेहरे को दहाई के अंकों में भी सीट प्राप्त नहीं होगी, यह मेरी चुनौती और दावा है। दिव्यांग और मरीजों को रियायत, हर दिन 1456 पैसेंजर करेंगे सफर। भागलपुर से दिल्ली के लिए कोविड स्पेशल 12 सितंबर को चलेगी। कोविड स्पेशल से सफर करने वाले यात्रियों को नए नियमों से गुजरना होगा। ट्रेन संख्या 02367/68 दिल्ली स्पेशल से किसी भी क्लास में आरक्षण कराकर ही सफर करना होगा। जनरल, स्लीपर और एसी क्लास में सीटों की संख्या 1456 है। हर दिन सीट के मुताबिक ही यात्री सफर करेंगे। यह जानकारी मंगलवार को मालदा रेल मंडल प्रबंधक यतेंद्र कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दी। डीआरएम ने कहा कि वोटिंग वाले यात्रियों को किसी भी सूरत में एंट्री नहीं होगी, कंफर्म टिकट वाले ही प्रवेश कर सकेंगे। ट्रेन में टीटीई टिकट नहीं बनाएंगे। दिव्यांग और मरीजों को स्पेशल की टिकटों में रियायत मिलेगी। स्पेशल का किराया नियमित ट्रेनों से कुछ ज्यादा होगा। कोविड स्पेशल में आरक्षण 10 तारीख की सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा। सितंबर माह मनेगा पोषण माह कैलेंडर जारी। आंगनवाड़ी केंद्रों पर चलाए जाएंगे कार्यक्रम। पूर्णिया में पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरे सितंबर माह में पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान जिला परियोजना स्थल व गांव-गांव में अवस्थित आंगनवाड़ी केंद्रों तक विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाना है। पोषण माह के दौरान आयोजित किए जाने वाले गतिविधियों को लेकर विभाग द्वारा साप्ताहिक कैलेंडर भी जारी किया गया है व इसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसे लेकर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जिले के सभी CDPO, महिला सुपरवाइजर व डाटा ऑपरेटर के साथ वर्चुअल मीटिंग गूगल मीट के जरिए की गई व अभियान संबंधित निर्देश दिए। जदयू और लोजपा में बड़ी तलखी। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने दिया यह बड़ा बयान। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दो घटकों दल जदयू और लोजपा के बीच लगातार तलखी बढ़ती जा रही है। सोमवार को नई दिल्ली में संसदीय दल की बैठक में भी लोजपा नेताओं के रुख में कोई बदलाव नहीं दिखा। विधानसभा चुनाव में 143 सीटों पर प्रत्याशी उतरने की बात भी उठी। हालांकि कोई फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन इसी दौरान जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी का दिया गया बयान दोनों पार्टियों के बीच के बिगड़ते रिश्ते का संकेत जरूर दे गया। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आज का फास्ट जीएस रिप्लाई का सवाल आ रहा है, तो तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देने के लिए। तो सवाल ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन, गुजरात की राजधानी कहाँ है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ईटानगर, ऑप्शन बी दिसपुर, ऑप्शन सी अगरतला और ऑप्शन डी गांधीनगर। उम्मीद है आप लोग सभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि कल के क्विज में आप लोग सबसे पहले जवाब दे सके। तो चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं अगली खबर। तेज प्रताप ने पत्नी के डर से बदला मैदान, ससुर बोले वहां से भी लड़ सकती है बेटी, बीजेपी ने कसा तंज। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने अपना चुनावी क्षेत्र बदल लिया है। वे वैशाली के महुआ के बदले समस्तीपुर के हसनपुर से चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर उन्होंने हसनपुर में पहला जनसंपर्क भी किया। तेज प्रताप के चुनाव क्षेत्र बदलने पर भारतीय जनता पार्टी ने चुटकी लेते हुए कहा कि कहीं वे चुनाव लड़े हार तो तय है। यह चर्चा की उन्होंने पत्नी ऐश्वर्या राय के महुआ से उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की आशंका के कारण अपना क्षेत्र बदला है। हसनपुर यादव बहुल विधायक सीट है, इससे तेज प्रताप यादव अपने लिए सुरक्षित मान रहे हैं। हालांकि ऐश्वर्या राय के पिता चंद्रिका राय ने संकेत दिया है कि अगर उनकी बेटी चाहेंगी तो तेज प्रताप को हसनपुर में भी चुनौती देगी। आज से पूरी तरह अनलॉक हुआ पटना, बुधवार से खुल जाएंगे पार्क और चिड़ियाघर। लंबे इंतजार के बाद मंगलवार 8 सितंबर से पटना पूरी तरह अनलॉक हो गया। राजधानी के तमाम होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, प्रतिष्ठान बिना शर्त खुल गए। राजधानी के सभी पार्क और संजय गांधी जैविक उद्यान यानी कि पटना जू आम लोगों के लिए बुधवार 9 सितंबर से खोल दिए जाएंगे। आज पार्क और जू ट्रायल के लिए सुबह में 2-3 घंटे के लिए खोले गए। बुधवार से पार्क में लोगों सुबह 5:30 बजे से 11:30 बजे और शाम में 4:30 बजे से 7 बजे तक घूम सकेंगे। वहीं संजय गांधी जैविक उद्यान में सिर्फ
सुबह 5:30 बजे से 11:30 बजे तक घूम सकेंगे। चिड़ियाघर में दर्शक सिर्फ वनस्पति क्षेत्रों का ही भ्रमण कर सकेंगे। जानवरों का दीदार फिलहाल दर्शक नहीं कर सकेंगे।